जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में निकली आपकी एचक्यू नॉर्थन कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। तो इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी और आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको डेली ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो प्लीज गाइड आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जहां पर आपको जानकारी अपडेट दे सको। यहां पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एचक्यू नॉर्थन कमांडेंट रिक्रूटमेंट नोटिस, यहां पे आप देख सकते हैं 1/22 ग्रुप सी की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है उनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, यहाँ पे आप जो देखते हैं सैलरी 19 हजार से लेकर 45 हजार, 18-27 आयु, हाई स्कूल पास या उसके बराबर, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है जो कि एससी कैटेगरी के हैं, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, अन्य किसी में यहाँ पे आपकी वैकेंसी नहीं है। मस्ट प्रोसेस सिविल ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल एंड हैवी और हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग सच व्हीकल। व्हीकल मैकेनिक की सेम सैलरी, ठीक है, 19 से 45, 18 से 25 आयु, हाई स्कूल पास, कैपेबल रीडिंग नंबर ऑफ एंड नेम ऑफ टू व्हीकल बोथ इंग्लिश और हिंदी, 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड। एक वैकेंसी है यहाँ पर एससी में है, ठीक है, क्लीनर की यहाँ पे वैकेंसी है 18 से लेकर यहाँ पे देखिए 41 की सैलरी रहेगी, पे लेवल आपका 1 है, 18 से 25, हाई स्कूल पास, शुड बी प्रोफिशिएंट इन आपका ट्रेड में। एक वैकेंसी एससी कैटेगरी में फायरमैन की, यहाँ पे देखते हैं 18 से 25, 19 से 45, हाई स्कूल पास, मस्ट बी आपको कन्वर्ट विद यूज मेंटेनर ऑल टाइप, आपका स्टीम इंजन हॉर्स फिटिंग एंड फायर अप्लायंस इक्विपमेंट फायर इंजन ट्रेलर पंप फॉर्म ब्रांचेस, मस्ट बी फैमिलियर विद यूज एंड मेंटेनेंस फर्स्ट एड फायर फाइटनिंग अप्लायंस एंड ट्रेलर आपका जो है फायर पंप, मस्ट नो आपका एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फायर फाइटिंग मेथड्स आपका एम्प्लॉयड इन फाइटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फायर। 14 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी में 1, आपका एसटी में, ओबीसी में 3, 8 यूआर कैटेगरी में वैकेंसी है। बाकी आप अन्य जानकारी दे सकते हैं, हाइट यहाँ पे दे रखा है 165, ठीक है, यहाँ पे 2.5 आपका सेंटीमीटर हाइट सेल भी अलाउड फॉर जो कि एसटी है। चेस्ट यहाँ पे देखते हैं 81.5, चेस्ट 85, वेट 50 किलोग्राम, 18 से 25 स्टैंडर्ड हाई स्कूल पास, 2 वैकेंसी, 1 आपके एस सी में, 1 UR में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जैसे 23 है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। वेट आपका वेटेज होगी रिटन टेस्ट 100%, आपका फिजिकल टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइड टीचर। यहाँ पे देखते हैं पोस्ट ऑफ मजदूर एप्लीकेबल कैंडिडेट एस एप्लीकेबल, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देखते हैं 18 से 25 UR में, 18 से 28 OBC में, ST में आपका 18 से 30 है, ठीक है। नंबर सबसे ज्यादा वैकेंसी जो आपकी एससी कैटेगरी में निकली है मोटर ड्राइवर के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, आपका एज रिलेक्शन रहेगा 5 साल का। और व्हीकल मैकेनिकल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखा फायरमैन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मजदूर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है 18 से 30 और 18 से 33 और 18 से 35 दे रखा है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज आपको देख सकते हैं। आपने इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन भाग लिया हो, ठीक है, एज रिलेक्शन अलग रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते जनरल कैटेगरी के 40 और SC ST कैंडिडेट 45 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है लोअर अपर डेट जो रहेगा, कट ऑफ डेट 30 फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन बाय अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। फिजिकल और प्रैक्टिकल आपका रिटन टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन रिस्क रहेगा, ठीक है। यहाँ फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं फॉर फायरमैन, यहाँ पे आप देखते हैं 65 पॉइंट आपका किलोग्राम, 183 मीटर और 96 सेकेंड, ठीक है, आपको दौड़ना है। कैरी एक मैन क्लियरिंग का यहाँ पे देखिए 2.7, वाइड डिच लैंडिंग बोथ फीट, क्लाइंबिंग 3 मीटर वही वर्टिकल रोप, यूजिंग आपका हैंड एंड फीट फॉर ऑल ट्रेड, यहाँ पे दे सकते हैं फिजिकल टेस्ट कैरीड आउट डिसाइड टू बॉर्डर ऑफ आपका ऑफिसर, कॉमन फॉर आप ऑल ट्रेड मेंटेनेंस आपका कॉमनली आपका ट्रांसपेरेंसी ऑफ द टेस्ट, रिटन टेस्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑल ट्रेड के लिए, जनरल आपका इंटेलिजेंस इंग्लिश लैंग्वेज न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 50 50
50 यानी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 33% मिनिमम मार्क नेगेटिव क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1-2 घंटे का आपका पेपर होगा। यहाँ पे सिलेबस आपका जो मोटर ड्राइवर का, क्लीनर व्हीकल और बाकी सबका, हाई स्कूल पास, मिनिमम एजुकेशन रहेगा स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑल ट्रेड के लिए। रिटन टेस्ट में यहाँ पे देखते हैं जनरल इंटेलिजेंसी के यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप और बड़ा कर दो जिससे आप इजीली स्क्रीन शॉट ले देख सकें। पार्ट टू इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम्स और बाकी चीजें, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है, इसके बारे में देखते हैं। नंबर सिस्टम, कंपटीशन, होल नंबर और बाकी सब चीजें यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस, रेशियो, टाइम। पार्ट फोर जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में आपको दे रखा है, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ओनली जो 33% दे रखा है, रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन कॉल विल बी कॉल स्किल आफ्टर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी आपकी जानकारी आ रही है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, वेरिफिकेशन आपका चार्टेड आपका दे सकते हैं, SC/ST OBC का सर्टिफिकेट रहेंगे, ये सब यहाँ पे आपको दे सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं 15A और 2F में, रिक्वायर्ड टू विद इन 90 डे आपका इनिशियल डिस्पैच, ठीक है। आपका सेंटर फॉर टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं आपको क्या जो है, स्टेशन उधमपुर, और यहाँ पे आप डिसाइडेड आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे कैंडिडेट फुलफिल द कंडीशन कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, यहाँ पे आपको पहुँचाना है, ठीक है, बाय द आपका सर्विंग ग्रुप ए, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो है आपको देखने मिले, अलॉन्ग विद एप्लीकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट टू डिस्पैच विद दी फॉर्म, आपको ओरिजिनल डिस्पैच नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट आपका फिजिकली प्रैक्टिकल जो होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए आपकी जो फोटो कॉपी उनकी लगानी है बर्थ सर्टिफिकेट की, यहाँ पे आधार कार्ड, डोमिसाइल, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। और आपको एक सर्विसमैन यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में दे रखा है, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक। यहाँ पे आपको दिए गए आपको एड्रेस पे यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म है यहाँ पे देखते हैं, फॉर्म शुड बी आपका आइदर टाइप या फिल ब्लू या आप देखते हैं आप इंक पेन से, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं ये आपको एरिया देगा नॉट कमांड का, पोस्ट अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं यू हैव अप्लाई एनी अदर पोस्ट, आप यहाँ पे दे सकते हैं यस या नो बता सकते हैं, यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, ब्लॉक लेटर में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। एज बतानी है 1 जनवरी 2019 के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे ईयर, मंथ, डे, आइडेंटिफिकेशन मार्क, यहाँ पे एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे दे सकते हैं आपको बताना है, नंबर ऑफ स्ट्रीट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यहाँ पे आपको अन्य जानकारी, परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, तहसील यहाँ पे आप दे सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। अल्टरनेटिव है वो आपकी कास्ट कौन सी है, आप जनरल ओबीसी, कैटेगरी जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे उनकी फोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सिविल आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है उसके बारे में, और हैवी वैलिड अप टू कब से अब तक है उसके बारे में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दे सकते हैं, इसके बारे में दे रखा है। फॉर आपको दे सकते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपको दे रखा है, ठीक है। एक्नोलॉजमेंट रहेगा टू फिल बाई कैंडिडेट पोस्ट, यहाँ पे दे सकते हैं नेम, इस तरीके से यहाँ पे आपको करना है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड जानकारी आपकी जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में, इंडियन आर्मी में आपकी जो वैकेंसी निकली उसके बारे में जानकारी दी। आई होप ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के हमारे चैनल बने, सब्सक्राइब करना ना भूलें। लर्निंग टाइम।